प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की उपलब्धियों और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के कुशल रणनीति में चुनाव प्रबंधन की यह विजय है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से चुनाव जीतने की ओर अग्रसर है, यह ऐतिहासिक सफलता है। यह केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के प्रति पूर्वोत्तर की जनता का विश्वास है और यह विश्वास इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के पूर्वी भारत के विकास के बारे में जो रणनीति तैयार की, पहली बार कोई सरकार है जिसने पूर्वी भारत के विकास को प्राथमिकता के आधार पर लेकर के कार्य योजना तैयार की और हर केंद्रीय मंत्री को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में जाकर के वहां स्टे करे, वहां की समस्या को सुने। विकास उस चंद लोगों की जेब में नहीं बल्कि धरातल पर उतरता हुआ दिखाई देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की सोच जो है आज उसके प्रति आम जनमानस का विश्वास दृढ़ होता हुआ दिखाई दिया। असम के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद त्रिपुरा की विजय, नागालैंड की विजय, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जिस प्रकार से सफलता प्राप्त हो रही है, ऐतिहासिक विजय है। और मुझे लगता है भारत के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारत की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस विजय के लिए हृदय से कोटि कोटि बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विकास और सुशासन का यह अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मैं त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के अंदर जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रणनीति में कार्य करते हुए यह ऐतिहासिक सफलता की ओर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाया है, मैं उन सभी को भी हृदय से कोटि कोटि